मतलब अपना ट्रक लेकर के कि भाई ट्रक नहीं अपना प्लेन लेकर के निकले हुए हैं, और प्लेन भी ऐसा वैसा नहीं है, महंगा वाला प्लेन है जिसको लेके निकले हुए हैं जो मंगाए थे। आप फुल मजा कर रहा है बंदा, मतलब 2000 का नोट नहीं रहेगा मान्य, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंदा जो है बिंदास है। झूठ को बनाना और झूठ के धुएं छोड़ना, झूठ के अल्फाज छोड़ना, प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा कोई नहीं जानता। मोदी जी अपने देश में ब्रांडिंग के लिए तो करोड़ों क्या खर्चा करते हैं। 200 नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में रोजाना आता रहूंगा, आपको आवाज देने के लिए, जगाने के लिए उन मुर्दा पड़े लोगों को जिन्हें लोकतंत्र की चिंता नहीं है, लेकिन जिन्हें ऐसी डोज लगा दी गई है हिंदुत्व की, उनको भी जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान का वैक्सीन देना बहुत जरूरी है। अगर संविधान का वैक्सीन ना दिया गया तो हिंदुस्तान जो है खत्म हो जाएगा। ये लोकतंत्र अगर खत्म हो गया तो भारत अपनी खुशबू पूरे विश्व में खो बैठेगा। लेकिन पूरे विश्व में चल क्या रहा है और हमारा मीडिया कर क्या रहा है भाई, इस पर तो बात करनी चाहिए ना, और बात इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह का झूठा प्रचार और जिस तरह की चीजें चल रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी आजकल निकले हुए हैं मतलब अपना ट्रक लेकर के कि भाई ट्रक नहीं अपना प्लेन लेकर के निकले हुए हैं, और प्लेन भी ऐसा वैसा नहीं है, महंगा वाला प्लेन है जिसको लेके निकले हुए हैं जो मंगाए थे। आप फुल मजा कर रहा है बंदा, मतलब 2000 का नोट नहीं रहेगा मान्य, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंदा जो है बिंदास है, इसी का नाम तो मोदी है। और मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जो कुछ करता है केवल अपने लिए करता है, फोटो जीवी आदमी जो है ना यार। आप अंजना ओम मोदी का एक क्लिप चलने लगा अचानक से ट्विटर पर, वो देख करके मुझे बड़ी हैरानी हुई। चलिए मैंने पूछा कि अंजना ओम का जो क्लिप आया उसकी जो थी मतलब पोल खोल दी सोशल मीडिया पर लोगों ने, और सोशल मीडिया पर कैसे पोल खोली मैं आपको बताऊंगा, सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, और सिलसिलेवार तरीके का इंतजार कीजिए क्योंकि हमारी अदाएँ यही हैं, हमारा अंदाज पत्रकारों का ना हो आम जनता का मतलब होता है अंदाज, जिस तरह से हम आपको संगीत सुना रहे हों उस सियासत का, पहली पायदान कौन सी होगी, दूसरी पायदान कौन सी होगी, यही तो एक तरह से न्यूज है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, पहले तो अंजना अम्मा का, अंजना ताई का, अंजना चाची का, अंजना आंटी का, अंजना मुन्नी का, ये डिबेट का अंश यहां डालना चाहूंगा, जरा सुन लीजिए भाई बोल क्या रही हैं। मोदी जी के पीछे तो बारी बारी जा रही हैं, सदके जा रही हैं, मतलब सुनिए ना। आनंद दुबे जी की अब बारी है। आनंद दुबे जी, मैं सही में सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ, एक तो आप कभी किसी दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं, अपनी बारी में बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर दर्शक भी खुश होते हैं कि आप कुछ बोलने वाले हैं तो अच्छा ही बोलेंगे। आनंद जी, आप अपने नाम पर सही उतरते हैं, लेकिन जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री का सम्मान जो पूरे विश्व में हो रहा है, ये तो एक गौरव की बात होनी चाहिए ना, पूरे इंडिया के लिए। वहां पर मौजूद सिडनी के उस स्टेडियम में इंडियंस ही तो है ना जो इतना वहां पर खुश हो रहे हैं, और उनका कहना, जो आज पीएम ने वहां एक लाइन भी कही कि आपको 28 साल किसी भारतीय प्रधानमंत्री के यहां पर पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस ऑस्ट्रेलिया के बारे में अंजना ओम मोदी बोल रही है बड़ा स्वागत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री जो गोधरा कांड पर बनी हुई थी वो संसद में दिखाई जाएगी, क्या अंजना ओम कश्यप इसके बारे में कुछ बोलेंगी या देशवासियों को कुछ बताएंगी, या प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान बढ़ रहा है, जिस तरह की वीडियो और जिस तरह की प्रशंसा आप कर रही हो वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कर रही हो, लेकिन देश के लोकतंत्र का क्या, देश के 140 करोड़ लोगों का क्या, जिनकी बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है क्योंकि चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है, वहां डॉक्यूमेंट्री की इजाजत दे दी गई है क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया की संसद से लोगों ने बोला था कि संसद में इसका प्रदर्शन होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्री एक तरफ चल रही है और अंजना ओम कश्यप बोल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा लानत है तुम्हारी पत्रकारिता पर। हर देश में छोटा बड़ा वैक्सीन मैत्री, जिसकी वजह से शायद पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने इस तरह से पैर उनके छुए, एक रिश्ता वो हर देश से बनाते हैं जिसको बहुत देश में बुरा भला कहा गया था, लेकिन वो सब भारत के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। दुबे जी, अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो दशकों से भी, मतलब पहले भी सम्मान होता आया है।
अरे अंजना ओम कश्यप यार, थोड़ा थमो थमो थमो। हाँ, जिस पापुआ का जिक्र आप चरण स्पर्श का कर रहे हैं वो 94 लाख आबादी का देश है अंजना जी। जी हाँ, और 94 लाख की आबादी वाला देश और उसका प्रधानमंत्री, मतलब जो भी होगा, जिस आदमी ने पैर छुए वो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ था, क्या इसके बारे में आपने जाँच की? यार क्या अंजना आप करती रहती हो। अंजना जी को कंटिन्यू होते हुए देखा होगा, शिवसेना को भी कंटिन्यू होते हुए आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं विदेशों में घूम रहे हैं और हिंदुस्तान का आम जन नागरिक जो है एक एक महंगाई के लिए तरस रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मेगा इवेंट ऑस्ट्रेलिया में, बताया जा रहा है कि मोदी जी के स्वागत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय के अधिकारी बैरी ओ फारेल ने किया था, लेकिन एनआई ने मोदी की इज्जत बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बता दिया। देश का दुर्भाग्य है कि 9 साल में आज तक मोदी जी को विदेशों में स्वागत का समय हो या प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका स्वागत नहीं हुआ। मोदी जहां जाते हैं वहां आरएसएस के लोगों को जाते हैं साथ में। पूरी दुनिया को मालूम है कि अनिल पटेल का ये ट्वीट है, अनिल पटेल साहब का ये ट्वीट है जिसमें वो बड़े सबूतों के साथ ये चीज़ें डालते हैं, कुछ फोटो भी डालते हैं यहाँ पर, और वो सीधे सीधे नंगा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, और दंगा हो जाता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि दंगा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ ऐसे खुलासे आते हैं जिसमें पता चलता है कि अब मोदी जी करने क्या वाले हैं। साथ में लोग जानकारी देते हैं, जब कोरोना में वैक्सीन की महामारी में देश की जनता मर रही थी तब मोदी जी ने उनको फ्री में वैक्सीन भिजवाई थी 94 लाख लोगों को, इसीलिए वो बेचारे शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। लेकिन जहां एक तरफ ये बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने सिडनी का कार्यक्रम रखा है, और यहां मैं आपको एक खुलासा कर दूं, अनिल पटेल ही खुलासा करते हैं इस बात का कि मोदी के कार्यक्रम में 12 चार्टर्ड प्लेन से लोग ऑस्ट्रेलिया गए हैं, 12 चार्टर्ड प्लेन जनता के पैसे से ऑस्ट्रेलिया गए हैं। क्या अंजना मॉम मोदी, अंजना ओ मॉम भाई पिघल जाती है ना, बहुत प्यारा सा नाम है आपका अंजना ओम। ओम शब्द जो होता है हिंदुत्व का प्रतीक होता है और सच बोलने का प्रतीक होता है, आपने तो झूठ की माया लगा दी। अंजना ओम कश्यप, अगर आप ये सवाल और ये खुलासा करती तो आपकी टीआरपी भी बढ़ गई होती और आपके साथ देश की जनता भी हो जाती, लेकिन अब क्या जनता आपके साथ होगी? क्योंकि जब 12 चार्टर्ड प्लेन ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्योंकि मोदी खुद कार्यक्रम करते हैं अपना, वहां की सरकार कार्यक्रम नहीं करती। हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में 80,000 से 75,000 गुजराती थे, 5,000 लोग भारतीय मूल के जो लोकल थे वो थे। मोदी सबको लाद के ले गए थे, बेटा चलो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, दिखाते हैं दुनिया को, दिखाते हैं उन उत्तर प्रदेश के मूर्ख भक्तों को, मध्य प्रदेश के मूर्ख भक्तों को और राजस्थान के मूर्ख भक्तों को कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं, मेरी ऑस्ट्रेलिया में कितनी इज्जत है। झूठ को बनाना और झूठ के धुएं छोड़ना, झूठ के अल्फाज छोड़ना, प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा कोई नहीं जानता। मोदी जी अपने देश में ब्रांडिंग के लिए तो करोड़ों क्या खर्चा करते हैं, ऐसे में विदेशों में भी खुद की ब्रांडिंग के लिए अरबों रुपया खर्च कर देते हैं। यह है हमारा वो प्रधानमंत्री, वो चाय वाला जो होता है वो तो मासूम होता है, चाय बेचता है 1 रुपया 1 रुपया 7 रुपया 10 रुपया लेकर के निकल जाता है, लेकिन इतनी चालबाजियां, इतनी ड्रेस पहन करके ये आदमी हिसाबों किताब करता रहता है, देश की जनता को मूर्ख बनाता रहता है, देश की जनता के खर्चे पर चार्टर्ड प्लेन ले जाता है, और बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया प्रचार करता है। ऑस्ट्रेलिया पीएम बोल रहे हैं उनको बॉस, वाह ताली। क्या मोदी जी आपको शर्म नहीं आती या गोदी मीडिया आपको शर्म नहीं आती इस बात को लेकर के? या शर्म से डूब के मर जाइए आप लोग, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो हिंदुस्तानियत की बात करते हैं। इन संघियों को चंद्रशेखर, एक नई बात पता चली, चंद्रशेखर आजाद जिनको अंग्रेजों ने मारा था वो इनको बड़े गंदे नाम से बोलते थे, और उन्होंने बोला था कि
इस सावरकर ने और या असंख्य लोगों ने उनको एक सुपारी दी थी, बोला था अगर आप इनका कत्ल कर दोगे तो मैं 50,000 रुपये दूंगा। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि आप हमें सुपारी के लिए समझते हैं क्या, हम अंग्रेजों से लड़ते हैं, हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं, आज़ाद भारत के लिए लड़ते हैं। तब शायद अम्मा मर गई थी इनकी, और इनको बोलते थे टोडी 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 भक्त। अब यहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, यहां वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्विस से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को मोदी सिडनी के ओलंपिक पार्क में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए गाड़ी और प्राइवेट चार्टर से लोगों को सिडनी लाया जा रहा है, जिसे मोदी एयरवेज का नाम दिया गया है। अरे भाई कमाल है भाई, ऐसा तो कभी पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया या किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वो भी जब देश महंगाई की मार से जूझ रहा हो। वाह लौंडे वाह, तू लौंडा ही है वाकई में। अब मैं क्या कहूं, इसके अलावा मेरे शब्द मौन हो जाते हैं। लेकिन विदेशों में कितनी इज्जत है, अमेरिका में कितनी इज्जत है, जरा यह भी बता दूं। प्रधानमंत्री मोदी की अकेले अकेले कहां जा रहे हैं देख कर बाइडेन की तरफ, वो आके गले लगा लेंगे, वो आई नहीं सकती। लेकिन यहां जब बाइडेन से निकले मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी, तो बाइडेन दरवाजे तक छोड़ने नहीं आए, शिष्टाचार तक निभाने नहीं। क्या ये खबर मीडिया ने आपको बताई, शायद ना बताई हो, क्योंकि जहां जहां बेइज्जती होती है वहां वहां बताना जरूरी थोड़ी है। आज सारे राष्ट्राध्यक्षों को अमेरिका में व्हाइट हाउस में रखवाया गया था, सितंबर 24, 2021 की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को सेठ दीन दयाल धर्मशाला, जिसमें चपरभुजे को रुकवाया गया, बाहर की सड़कों पर लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कब जो बाइडेन उनके पापा से मिले। यह है प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत, जो अपने आप क्रिएट करते हैं और गोदी मीडिया के द्वारा क्रिएट कराते हैं। लेकिन एक शाहकार और निकला है, वो शाहकार है राहुल गांधी का। तो अगला वीडियो इंतजार कीजिए, राहुल गांधी के ऊपर होगा। अंजना ओम मैडम की तो निकल चुकी है, तो अब आप निकालिए कितनी निकालनी है, इनका झूठ खोलिए, जिस तरह झूठ बोल रही थी पापुआ गापुआ डापुआ के बारे में, है ना। तो अब निकल गई इनकी पोल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।